नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। राष्ट्रीय जनता दल की शुक्रवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में विधानमंडल दल के सदस्य और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। उम्मीद की जा रही थी कि लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव बैठक का नेतृत्व करेंगे, लेकिन वे इस बार भी नहीं आए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव मुख्य धारा की राजनीति से कहीं गायब हो गए हैं। वहीं बैठक में फिलहाल की जो राजनीतिक परिस्थितियों से पार्टी गुजर रही है उसको मजबूती कैसे दी जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। बता दें कि आरजेडी के जो मौजूदा हालात हैं और जिन कठिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है, इसको लेकर लालू यादव भी चिंतित हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी माना है कि पार्टी अभी कठिन दौर से गुजर रही है। उनका ये भी कहना था कि जल्द ही उनके नेता तेजस्वी यादव आएंगे और पार्टी को संभाल लेंगे। शिवानंद तिवारी मीडिया से बात करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उन सब के नेता तेजस्वी और उनके नेतृत्व में पार्टी फिर से अपना खोया हुआ जनादेश वापस ला पाएगी। ये बैठक पूर्व सीएम राबड़ी देवी की आवाज पर हुई थी। बैठक का नेतृत्व राबड़ी देवी ने ही किया था। इसमें पार्टी के सभी 69 विधायक, 2015 के सारे प्रत्याशी और सभी जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे। इतने दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे, लेकिन वे नहीं आए। जिस तरीके से तेजस्वी पार्टी से किनारा कर रहे हैं, उनकी वजह लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार नजर आ रही है। बता दें कि दो दिन पहले ही बक्सर से कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने दावा किया था कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के कुछ विधायक अपनी अपनी पार्टी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जाएंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। नीतीश भी बीजेपी को छोड़कर इन विधायकों को जेडीयू में शामिल करते हुए उनके ही साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में आरजेडी की कमजोर हो रही शाखा के बीच अब लालू के लाल तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि राजनीति से दूर रहकर पार्टी को मजबूती कैसे देंगे। सवाल ये भी है कि पार्टी के सदस्यों का फिर से आत्मविश्वास जगा पाएंगे या नहीं। तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता को लेकर उनकी पार्टी में कई सवाल उठ रहे हैं। लालू यादव के करीबी विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने भी तेजस्वी के नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े किए थे। वहीं उनकी दूरी बनाने से ऐसे में वो अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ रहे हैं। तेजस्वी को कमबैक करने के साथ ही विपक्ष का सामना बाद में करना पड़ेगा। फिलहाल उन्हें पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष को दूर करना होगा। जिस तरीके से लालू यादव की पार्टी और परिवार दोनों ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है और तेजस्वी पर परिवार और पार्टी दोनों को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि तेज प्रताप छोटे भाई तेजस्वी को अपना अर्जुन बताते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानने का और उम्मीदवार को टिकट नहीं देने का आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने अपने ससुर चंद्रिका यादव को भी छपरा से टिकट देने पर नाराजगी जताई थी। परिवार में तब से ही अनबन शुरू हो गई थी। अब जिस तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं, वही अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या लालू की बुझती हुई लौ को तेज कर पाएंगे तेजस्वी। बहरहाल ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।